शांति, ओम शांति। आज हम सभी इस सत्र में विशेष ब्रह्मांड योग के बारे में, ब्रह्मांड में दो चीज आता है, एक होता है पांच तत्व, ये ब्रह्मांड लोक, इसमें क्या क्या आता है, पांच तत्व। और दूसरा आता है नौ ग्रह, उसमें क्या आता है, एक आता है पांच तक, दूसरा आता है नौ ग्रह। हम सभी का इस ब्रह्मांड से कनेक्शन है या नहीं? जब आत्मा परिणाम में रहता है तो हमको पांच तत्वों से कोई कनेक्शन है? जब पांच तत्वों से कनेक्शन नहीं है तो तत्वों से भी कनेक्शन नहीं है। जब पांच तत्वों से आत्मा का कनेक्शन नहीं तो नौ ग्रह से भी कनेक्शन नहीं। जब आत्मा इस शरीर में आता है तो किससे कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है, ब्रह्मांड से, क्योंकि शरीर किससे बना हुआ है, पांच तत्व। और कई लोग अपने जन्म पत्र के अनुसार ग्रह दोष को बताते हैं, वो भी एक साइंस है, वो भी एक विज्ञान है, वो भी एक विज्ञान है, वो विज्ञान से वो ग्रह दोषों को बोलते हैं। जो लोग सभी ज्ञान से सुनिए, जो लोग आत्मा में नहीं रहता है, जो लोग आत्मा का जो ऊंच तेज, आत्मा का जो डिग्री है वो डिग्री में ठहरता नहीं, उनको ग्रह का दोष होता है। जो आत्मा के स्टेज में आता है वो ग्रह के पावर से भी ऊपर है, क्योंकि ग्रह से ऊपर आत्मा का दाम है। आपको समझ में आया, ये ग्रह जो बोलते हैं, नौ ग्रह बोलते हैं ना, ये नौ ग्रहों से भी ऊपर है ना आत्मा का ग्रह, है या नहीं? हाँ जी। तो ये बात हम सबको पक्का करना है, जब हम इस शरीर के कनेक्टिविटी में आते हैं तो ही इन सब के बंधन में आते हैं, यानी उसके प्रभाव में।